हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको दोबारा से एक बार वीडियो बनाने जाऊंगा लूपर चेंज की, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आपने जो पहले लूपर चेंज की वीडियो बनाई है वो काफ़ी लंबी है और काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल है, प्रोफेशनल बंदा ही समझ पाएगा। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लूपर चेंज कराना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये लूपर होता है, इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये लूपर होल्डर निकाल दीजिए। लूपर होल्डर को निकालने के लिए ये एल की पेच है, इसको ऐसा लूज करिए। फ्रेंड्स, ये लूपर निकल गया है, ये लूपर है, इसको चेंज करना है, इसको उतारना है। ये लूपर है, अब हम नया लूपर लेंगे, ये वापस हमने नीचे डालना है। इसको टाइट नहीं करना, इसको ऐसे लूज छोड़ देना है अभी, ठीक है। तो ये लूपर वापस अंदर जाएगा। तो फ्रेंड जी, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई से नई वीडियोस आपको मेरी मिले, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके कर लीजिए। और इसको थोड़ा सा दंदाल को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए यहाँ से आगे से, ताकि आपको दिख जाए सेटिंग, ठीक है। ऐसे उठा लिया इसको, और थोड़ा सा इसको भी उठा लिया यहाँ से, कुछ भी डालकर इसको टेंशन क्या बोलते हैं प्रेशर फुट को उठा लिया। और अब आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी लूपर और नीडल की, ठीक है। अब ये देखना है, ये दाना है, ये पटरी का दाना होता है, इससे नीचे रखना पड़ता है। ये देख लो, गैप देख लीजिए, थोड़ा सा ये नीचे है, बिल्कुल नाखून जितना गैप होना चाहिए। ऊपर एक बार टच कर लो और फिर आप ये नाखून मार के ये देख लें, बिल्कुल कम गैप होना चाहिए। इसको टाइट कर लिया पहले, ठीक है, ये सेटिंग होगी इसकी। अब आपने ये देखना है कि इसको जितना पीछे जाएगा, ये देखो, ये देखो हिल रहा है, इसको पीछे करो सुई के, और सुई के साथ टच करना है इसको, बिल्कुल इतना ज़्यादा भी टच नहीं करना कि सुई टूट जाए, बिल्कुल हल्का सा टच करना है ताकि धागा स्किप ना कर पाए जब चलेगा। तो जितना ये पीछे जाएगा ऐसे करके इसको ऐसे घुमाना है, जितना ये पीछे जाएगा उतना पीछे ले जाना है। और आपको यहाँ से टाइट कर देना है, बस टच होना चाहिए सुई के साथ, ज़्यादा टच भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टच। ये देखिए, इसको टाइट कर देना है अच्छे से। तीन चीजें ध्यान में रखनी है, तीन चीजें क्या ध्यान में रखनी है आपने, देखिए। एक तो ये जो दाना है ऊपर वाला, इसका गैप और लूपर का गैप ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा गैप है। और पीछे वाला जो गैप है ये देखिए, पीछे वाला सुई और लूपर का गैप, ये अभी भी ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए, सिर्फ एक सुई मुश्किल से पास करनी चाहिए। और इस गैप को कम करने के लिए हम यहाँ से केम लीवर होती है अंदर, उससे हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप जो नए नए बंदे हैं, इतना गैप भी आपके लिए ठीक है, तो ये देखिए। और सुई के साथ टच करना चाहिए, ज़्यादा टच भी करेगा तो जैसे ही जूट की बोरी चलेगी तो वो सुई तोड़ने का डर होता है, बिल्कुल आप हाथ लगा के इधर मशीन को चलाना, जैसे कि मैं, आपको महसूस होना चाहिए, जैसे आप ये ऐसे कर रहे हो ना, आपको महसूस होना चाहिए कि आप लूपर टच हो रहा है, बस। तो याद रखिए, गैप
पीछे वाला 100 इंच जितना और ऊपर से नीचे एक नाखून जितना, इसको टच नहीं करना चाहिए दाना, अगर इसको टच कर गया तो पटरी ख़राब हो सकती है बस। और आप ये देख लेना जो ये सुराख है सुई का, उसके ऊपर लूपर पास करना चाहिए, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये सिंपल तरीका है। और उसके बाद आप ये नीचे लूपर को कर सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, धन्यवाद।